गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ कोहिमा पे, जो नागालैंड का कैपिटल सिटी है। मेरा नाम है ऋत्विक फ्रॉम ट्रैवल नेचर ऋत्विक चैनल। चलिए मैं आप सबको लेके चलता हूँ नागालैंड के ब्यूटीफुल नेचर पे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा नागालैंड के ट्राइब्स का कल्चर, उनका ड्रेस, उनका डांस एंड उनका फूड हैबिट्स। Cookie tribe, right? Where is it in Nagaland? Which district? Paravel. क्या आपको पता है कि आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स नागालैंड पे बहुत फेमस है? ये जो 17 ट्राइब्स है, ये अपना फार्म का ओन प्रोडक्ट यूज करके अपना क्लोथ्स, अपना यूटेंसिल्स, इवन मेडिसिंस भी ये लोग खुद बनाते हैं। पहुंच चुका लोग हैंडीक्राफ्ट मार्केट, उसके पास ही है जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल हो रहा है। मैं ले रहा हूँ नागा स्टॉल एंड बहुत फेमस है नागालैंड में ये छत्र। बहुत ही अच्छा दिन बिताए हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल पे, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अपना होम स्टे पे जहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। हम लोग अभी चेक इन कर चुके हैं अपना होम स्टे, छोटा सा गेस्ट हाउस टाइप है एंड मैंने होटल बुक नहीं किया क्योंकि बिकॉज ऑफ हॉर्नबिल ऑलमोस्ट सारे होटल्स फुल थे। ये है अपना रूम, बहुत स्पेशियस है, बेड बहुत बड़ा साइज का है, इनफैक्ट 3 जन आराम से हो जाएगा। बेड का जो बेस होता है उस बेस से बना हुआ टेबल बहुत सुंदर लगता है। हाय 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 फिनी, यू जस्ट नाउ? या जस्ट केम। यू डोंट हैव टी? नो, वी विल हैव द डिनर ओनली। केनी, सो ही इज द ओनर ऑफ दिस होम स्टे एंड आई स्पीक इन हिंदी इन माय चैनल, बट एनीवेज वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज वेल। सो केनी, व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस होम स्टे? अराउंड Three years now. But it's beautifully maintained. You know, it seems like it's very new. We whitewash like every season. Oh wow! Yeah, before the guests arrive. And it's very nicely maintained. Thank you. Also, you know, I was talking about your hosting. You are a very excellent host. Thank you. So, how many rooms are there in your homestay total? We have 10 rooms now. 10 rooms. Now. Yeah. So here two. Two. Yeah. And around 8. Basement. The first floor 8? Yeah, 6. 6. And basement around 2. Oh wow, so entirely is open. So why do you stay? We stay in that first floor. Okay, on that 8 itself, yeah. Or you have a separate room? Basement, upper basement. Ah, acha, yeah. Okay. And where is your bakery? My bakery is in the kitchen. Okay, you make it, huh? Yeah. Are you married? No, I'm single. So who is there in your house? My mom, my dad. Your parents are there? Yeah. Thanks, Kenny. I think we love your place and it's very nice. Thank you. तो अभी हम लोग डिनर करेंगे। So डिनर करके हम लोग जल्दी से सो जाएंगे क्योंकि कोहिमा में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोग कल सुबह अर्ली मॉर्निंग लोकल साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। After every beautiful sunrise, मुझे लगता है जिंदगी में एक नया चैप्टर की शुरुआत, जिसको मुझे जानना है, समझना है और हाँ, इसको अपने तरीके से जीना है। तो अभी ब्रेकफास्ट टाइम है, तो टाइम हो रहा है सुबह का 8:15। आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कोई भी आने का या फिर रुके, आपको घूमने के लिए आया, खाना अच्छा है एंड इसका हॉस्पिटलिटी भी बहुत अच्छा है, रीजनेबल है, रूम्स सारे रूम्स स्पेशियस है।
तो हम लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं. सो थैंक्स टू केनी, बहुत अच्छा होस्टिंग किया इन्होंने. एंड अभी हम लोग जाके कोहिमा सिटी घूमेंगे. थैंक यू. हैव अ गुड ट्रिप. आपको क्या लगता है कोहिमा के बारे में? क्या कोहिमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने के लिए ही टूरिस्ट आते हैं? शायद हम लोगों को ये पता नहीं है कि इस शहर के साथ वर्ल्ड वॉर टू का हिस्ट्री जुड़ा हुआ. चलिए मैं आपको कुछ प्लेसेस ऐसे ही एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ. तो अभी हम लोग आ चुके हैं कोहिमा वॉर सिमेट्री पे. इस जगह को जाना जाता है गैरिसन हिल्स के नाम से. वर्ल्ड वॉर टू में सबसे टफेस्ट बैटल लड़ा गया था इसी जगह पे. हिस्ट्री में इसको बैटल ऑफ कोहिमा के नाम से जाना जाता है. इन 1944 अप्रैल जापानीज आर्मी अटैक्ड ब्रिटिश अलाइड फोर्सेस, जहां पे बहुत जवान मारे गए थे दोनों साइड के, इंक्लूडिंग 917 इंडियन सोल्जर्स. सारे सैनिकों को इसी हिल्स पे दफनाया दिया गया था. सोल्जर्स की याद पे यहाँ पे 1420 समाधि स्थल क्रिएट किया गया. इस टेनिस ग्राउंड पे हैंड टू हैंड बैटल भी हुआ था, जहां पे दोनों साइड के बहुत कैजुअलिटीज हुए थे. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. तो हम लोग हैं अभी कैथेड्रल ऑफ कोहिमा में, जो बेसिकली एक चर्च है. Hi, hi. What's your name? अभी मैं हूँ नागालैंड कोहिमा का कैथेड्रल चर्च में. एक बहुत सुंदर चर्च है, छोटा सा गार्डन बना हुआ, चारों तरफ से कोहिमा का पूरा पैनारमिक व्यू दिख रहा है. एंड वेदर बहुत अच्छा है, तो बहुत ही सुंदर जगह है. अगर आप कोहिमा में हो तो ये कैथेड्रल चर्च मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेस है कोहिमा. कैथेड्रल ऑफ कोहिमा, ये चर्च बिल्ड हुआ था 1991. This church is mostly funded by Japanese people in the memory of all the Japanese soldiers who died in Battle of Kohima. कोहिमा घूमने के बाद मुझे ये फीलिंग हुआ, इस शहर को कुछ चीजें अलग करती है. वो है यहाँ के डिफरेंट ट्राइब्स एंड देयर कल्चर्स. यहाँ के वुड कर्विंग एंड वुड वर्क विद डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट आइटम जो इंडिया फेमस है. यहाँ के लोग जो बहुत ही वेलकमिंग एंड स्माइलिंग है. और हाँ, शॉपिंग एंड फैशन कैसे मैं भूल सकता. एक तरफ ट्रैफिक और नॉइस पोल्यूशन, और दूसरी तरफ ब्यूटीफुल नेचर जो आपको कंप्लीटली रिफ्रेश कर देती है. और हाँ,
हाँ, म्यूजिक एंड बैंड विच कनेक्ट्स ईच अदर। सही बताओ तो इस शहर में कुछ जादू है।